अभी तक लखनऊ में कितने लोगों तक ये सुविधा पहुँच गई? और ये सभी लोग होम आइसोलेशन में हैं। मैम, यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे मिली आपको? जी, वो बगल में एक उसने मुझे बताया, वो गुरुद्वारे आके उसने मुझे बताया कि आप वहाँ चले जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन पे हैं। शी इज़ अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइडेड बाय गुरुद्वारा ओनली। मेरे पिताजी की हालत बहुत ही सीरियस थी, जिसकी वजह से मैं उनका घर पे ही इलाज कर रहा हूँ, और जिसकी वजह से मुझे उनके लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत थी, जिसकी जानकारी मुझे व्हाट्सएप द्वारा और फेसबुक के माध्यम से निर्मल जी की संस्था का पता चला। आपको ये आलमबाग गुरुद्वारे किसने बताया? मैं वो हम लोगों का एक ग्रुप है जो फार्मास्यूटिकल में, तो उसमें लोहिया अस्पताल में पेशेंट मित्र हैं, तो उन्होंने इसको अपलोड किया था, उसके द्वारा मुझे पता चला और मैंने कॉल किया, तो तुरंत उन्होंने कहा कि आप आके ले लीजिए। ठीक है, ईश्वर करे आपके पिताजी जल्दी स्वस्थ हों। आलमबाग गुरुद्वारा हमेशा आपकी सेवा के लिए हाजिर है। धन्यवाद। जनता की और मानवता की सेवा में इससे बड़ा क्या काम हो सकता है? जहाँ मिलजुल कर हम जो निजी व्यक्ति है उस तक ऑक्सीजन की सेवा हो, उसको पहुँचाना, उसको कोई अन्य आवश्यकता है मेडिकल, उस चीज़ को फैसिलिटेट करना, एम्बुलेंस की सेवा देना, और मैं आज आप सभी का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूँ। ये टीम के रूप में आप लोगों ने जो सेवा की है और 700 लोगों तक इस ऑक्सीजन लंगर के माध्यम से पहुंचना है, बहुत ही बड़ी बात। निहाल सत श्री अकाल। मैं आलमबाग गुरुद्वारा प्रबंध समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन प्रदान की है। मैं गुरुद्वारा प्रबंध समिति को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और कामना करता हूँ कि गुरुद्वारा प्रबंध समिति दिन दोगुनी चार सेवा प्रदान करे। गुरुद्वारे में जाके दान पर लोग ने बवाला करना शुरू कर दिया कि हिंदू हो के आप कैसे हो गए, तो मैंने कहा सिख हिंदू नहीं है। लोगों की मेंटेलिटी इतनी खराब हो चुकी है ना कि आज की डेट में लोग सिलेंडर लेने आए, हमने आपसे पूछा हिंदू या मुसलमान हो या बस बुदार। यही सोच होनी चाहिए और आदमी की ये चीज़ खराब, और हमने आपसे ये भी नहीं कहा पैसे लगेंगे। तो मुझे कहीं से लीड मिली थी, तो फिर मैंने निर्मल जी को कॉल किया
और उनसे बात हुई तो उन्होंने पूरी डिटेल मुझे शेयर की और उसके बाद फिर मैं उनसे बात करके यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, इससे हमने एक बड़ा खाली सिलेंडर रिसीव कर लिया है, इसके बदले में इनको आलमबाग गुरुद्वारे से एक भरा सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। आलमबाग गुरुद्वारे में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और फिर मेरे कई दोस्तों ने भी यहाँ से सर्विसेज अवेल की हैं और 2400 घंटे अवेलेबिलिटी है जब आप आके ले सकते हैं। तो हमें लगा कि हम हॉस्पिटल्स में तो दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे अगर देते हैं तो यहाँ पे सर्कुलेशन, और जैसे हमें पता चला कि केवल लखनऊ में नहीं, आप जाके सीता फैजाबाद और बाकी शहरों में भी अब थोड़ा थोड़ा धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इसलिए हम बाकी लोग से भी यही विनती कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ खाली हो, आपके यहाँ कंसनट्रेटर या सिलेंडर खाली हो, तो एक दिन में बहुत लोगों की यहाँ पे हेल्प हो जा रही है, यहाँ पे रेगुलर सर्कुलेशन में रह रहा है, तो यहाँ पे आप आके आलमबाग गुरुद्वारे में आके आप अगर डोनेट करते हैं तो सबको काफ़ी सहायता। When all the members of my family, my mother, my brother, my sister-in-law, they all got sick by COVID at the same time and I had to rush from Delhi to Lucknow just to take care of my family, at that moment मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि मैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए कहाँ से फाइंड आउट करूँ। उस टाइम पर नंबर ऑफ़ मैसेजेस आई हैड ट्राइड, दे ऑल वर इनवैलिड और इन केस इफ इन एनी केस दे वर वैलिड, दे वर जस्ट मिंटिंग मनी आउट ऑफ द सिचुएशन। उस टाइम पे मुझे व्हाट्सएप के थ्रू इस गुरुद्वारे की सर्विसेज के बारे में पता चला और आई ट्राइड दैट नंबर, आई हैड स्पोकन विद मिस्टर निर्मल सिंह जिन्होंने मेरी बातों को इमीडिएटली समझा और प्रॉम्प्टली मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। ही इमीडिएटली हेल्प मी विद द ऑक्सीजन सिलेंडर। रात में 3 बजे गाड़ी आई ऑक्सीजन लेके 20-22 सिलेंडर, तो रात ही में संदीप आनंद के घर के बाहर 12 बजे से ही जिनके परिवार वालों को ऑक्सीजन की जरूरत थी उनके घर पे आके खड़े हो गए 12 बजे से ही सिलेंडर लेने के लिए, क्योंकि उस टाइम लखनऊ में कहीं भी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा क्राइसिस थी, ना सिलेंडर उपलब्ध थे ना ऑक्सीजन मिल पा रही थी। और हम लोग ने रात को ही 3 से 4 बजे जैसे ही हमारी गाड़ी पहुंची सारे सिलेंडर जितने भी जरूरतमंद थे वितरण कराया। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर मनोहर लाल गुप्ता है और हम आवास विकास सीतापुर से आए हुए हैं। हमारे पिताजी कोविड पॉजिटिव हैं और उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिसकी वजह से हमें पता चला कि यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है सर, 2 सिलेंडर ले जा रहे हैं आप? जी 2 सिलेंडर ले जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक, ओके, वाहे खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं निर्मल सिंह, प्रेसिडेंट इंद्र सिंह सुबह लखनऊ गुरुद्वारा आलमबाग, कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए फ्री ऑक्सीजन लंगर गुरुद्वारा आलमबाग की ओर से प्रोवाइड करने का उन सोशल मीडिया पर मैसेज आए। लोग हमें कॉल करते हैं तो कॉल करने के बाद हम उनको एक स्लिप भेजते हैं व्हाट्सएप के जरिए, उसमें हम लोग उनसे एक आवेदन पत्र लेते हैं कि हमारे यहाँ ये पेशेंट है, इसको ये नीड है, उसका घर का एड्रेस, एक आधार कार्ड और डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है मरीज का वो लेते हैं। वो हमें व्हाट्सएप आ जाता है, उसके बाद हम उनको बता देते हैं कि आप किस एरिया में हैं, थाने सेंटर पर पहुंच जाए, हम लोग अप्रूवल ग्रुप में वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, तो वो अपने जो उसको नज़दीक पड़ता है उस सेंटर से जाके वो ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त होता है। सो इनिशियली जब ये ऑक्सीजन क्राइसिस लखनऊ में शुरू हुई तो मैंने, संदीप आनंद और विशाल अग्रवाल ने मिलकर हम लोगों ने कुछ सिलेंडर्स इकट्ठा किए और लखनऊ से अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर दूर भेज भेज के सिलेंडर्स भरवाए और लखनऊ के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। धीरे धीरे हमारे साथ और हमारे फ्रेंड्स जुड़ते गए, कुछ लोगों ने हमें फाइनेंशियली हेल्प करी, कुछ लोगों ने सिलेंडर्स प्रोवाइड किए और आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 75 सिलेंडर्स हमारे पास है जो हम रोटेशन में गुरुद्वारा आलमबाग के प्रेजिडेंट सरदार निर्मल सिंह और उनकी टीम के हेल्प से ऑक्सीजन लंगर का नाम दे के हम लोग लखनऊ के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब तक अप्रॉक्सीमेटली 500 फैमिलीज को हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड कर चुके हैं विद कंप्लीट किट। जब मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बिना कोई परेशानी, बिना कुछ, उसके सीधे उन्होंने कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए और हमारे यहाँ से अपने पिताजी के लिए जो भी सेवा हो सकती है, ऑक्सीजन से लेके मास्क से लेके वो सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो मैंने उनसे संपर्क किया और उन्होंने तुरंत ही रात में 11 बजे ही
मुझे बुलाया और मुझे सिलेंडर उपलब्ध कराया। ये मेरे फादर हैं और ये उनके द्वारा दी गई सेवा है। ये मेरा चौथा सिलेंडर है जो उनकी सेवा से मैं लेके आया हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये शुरुआत हम लोग ने, मैंने, संदीप आनंद, मंदीप बजाज ने ये शुरू की, देखते हुए कि ऑक्सीजन की लखनऊ में इतनी क्राइसिस थी और हम लोग ने सिलेंडर एकत्र कराए। उसके बाद निर्मल सिंह जी जो आलमबाग वो गुरुद्वारा के प्रबंधक हैं, उनके साथ मिलके ये मुहिम को और आगे बढ़ाया और अब तक हम लोग ने करीब 800 सिलेंडर रिफिल करवा के एक महीने 40 दिन का समय हो गया हम लोग को ये सेवा वो करते हुए। 700-800 सिलेंडर हम लोग इसमें निःशुल्क लोगों को सेवा के रूप में दे चुके हैं। इसमें जो कई मरीज जो घर पे आइसोलेशन में इलाज कर रहे थे, कई उस टाइम प्राइवेट जो अस्पताल हैं वहाँ भी लोगों को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, वो भी ऐसे बहुत मरीज हमारे यहाँ से ले गए और हम लोग ने 24/7 की ये सेवा दी है। इससे पहले लखनऊ में ऑक्सीजन नहीं भर पा रही थी तो हम लोग यहाँ से हमीरपुर लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर भेज के हम लोग ने 10-15 दिन वहाँ से गाड़ियाँ तो भरवाई हैं और उसके बाद अब हम लोग ने फ्री लंगर जो अपना इसमें राशन जो है वो हम लोग ने 4-5 दिन से बंटवाना शुरू किया और तकरीबन 500 लोगों को ये मुफ्त राशन भी हम लोग उसको मुहैया वो करा चुके हैं। द्वारा आलमबाग के हेल्प से लोगों ने फूड किट्स भी प्रोवाइड करना शुरू किए हैं जो कि ड्राई राशन है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज फॉर अ फैमिली जो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं लखनऊ की जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो जो भी हेल्प आलमबाग गुरुद्वारे को या आसपास रहे जो भी नीडी लोग हैं उनको ज़रूर करें, आगे आए। एक छोटी सी हेल्प आपकी उनकी बहुत हेल्प कर सकते। इसमें हम लोग 15 दिन का राशन सारे परिवारों को अलग अलग एरिया में प्रोवाइड करा रहे हैं। हम उनके आधार कार्ड ले लेते हैं, उनका एड्रेस ले लेते हैं और ये हमारी एक फाइल है जिसके अंदर हमारे ये नंबर पड़े हुए हैं कि कितने नंबर का पैकेट किस बंदे को किस कॉन्टैक्ट नंबर से कौन से एड्रेस से हमने दिया। इसी तरीके से हमारे हर पैकेट के ऊपर ये पैकेट नंबर पड़ा ताकि कौन सा पैकेट किस आदमी के घर में जा रहा है ये हमारे पास रिकॉर्ड रहे। पाँच किलो आटा होगा, चावल, दाल, चीनी, और क्या तेल। भाई कल साहब भाई कितनी फतेह जी, बहुत सोनी सेवा तुम कर रहे हो। लास्ट कृपाल सिंह समझा सर तुम पहचान जाओ, मैं पहचान गए। बहुत सोनी सेवा है और सब कमेटी का क्वान्टिटी बहुत अच्छी रखी थी। इस बात
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। वीरो मैं चरणजीत सिंह मिनट वास्ते मिडिल क्लास फैमिली ते साड़ी लंगर सेवा दो मिनट इस गल ते तुहाडा ध्यान दिलाना चाहवांगा कि साड़ी जो लंगर की सेवा कि मिडिल क्लास फैमलिया तक साड़ा लंगर पुज रहा है कि मिडिल क्लास फैमलिया साड़े को लंगर लैन आ रही हैं कि अपने एटीट्यूड विच या एक मान सम्मान के पिछे घर सुसाइड की नौबत आई हुई है, बच्चे भुखे सो रहे हैं लेकिन बेचारे मंग नहीं पा रहे। इस वास्ते मैं गुरुद्वारा कमेटियां नूं सब तो पहला कहांगा एक वट्सअप नंबर वायरल करो जिदे ते वो आप जी ने अपना स्थिति दस सकन एड्रेस कि मैनू लंगर चाहिए है। इस वास्ते जड़े मिडिल क्लास फैमलिया ने उन्हां नूं चाहिए है कि जरूर तो जरूर इस चीज़ का लाभ उठाओ। थोड़ी ना फोटो खिंची जानी है ना किरे वायरल करना आपां ते तुसी एक मैसेज भेज के गुरुद्वारा कमेटियां को लो लंगर लो। इस लंगर नूं लैण विच कोई परहेज ना करो साध संगत जी, तुहाडी ही पैसा जो गोलक इस संगत का दसवंत है वो तुहाडा पैसा गुरु साहब के संस्कार आप जी उत्ते ही खर्चा किया जा रहा है ते कृपा करो इस लंगर जरूर लो अपने परिवार पालो। कल नूं फिर तुसी माहौल ठीक होएगा ते तुसी इस सेवा विच अपना हाथ पाणा वे। बहुत साइलेंटली काम करते हैं पर आपकी डिमांड पूरी होती है। वेरी रिसेंटली मैंने ये भी डिस्कवर किया दैट सिलेंडर ही नहीं प्लाज्मा राशन सिलेंडर के साथ पौधा देना इट इज सच अ जेन्युइन एंड सच अ नोबल थिंग दे आर डूइंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो मोर एंड मोर पीपल मैं चाहती हूँ कि जुड़े जो ये अच्छा काम कर रहे हैं इसका मैसेज स्प्रेड होना चाहिए। ग्राफ नीचे आ जाता है केसेस कम होते हैं पॉजिटिविटी रेट डाउन होती है लोग फिर से मास्क का प्रयोग बंद कर देते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर देते हैं नहीं इससे हमें अपने हैबिट बनाना है। तो ये मैं यहाँ की प्रबंधन कमेटी से भी आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में और एक ग्रुप की कैपेसिटी में भी ये लोगों का अलग नुकसान कर रहा है कि मास्क का किसी भी पब्लिक प्लेस जब हम करते बाहर निकल रहे हैं घर के अंदर भी है जो सोशल डिस्टेंसिंग है मास्क को 100% दे क्योंकि बचाव भी सबसे बड़ी इसकी लड़ाई 0522-452-3000 ये वन स्टॉप कोई भी सूचना चाहिए कोई एम्बुलेंस की सेवा दरकार चाहिए हॉस्पिटलाइज होना है किसी को दवाई के बारे में सूचना मंगानी है किसी के घर पे टेस्टिंग टीम आनी है सैनिटाइजिंग के बारे में बताना है ये सारे के सारी सुविधा यहाँ पर 0522-452-3000। इसके साथ ही साथ एक नई चीज़ हम लोगों ने लखनऊ में की शायद देश में इस प्रकार की यूनिक ब्रांड है कोविड एंड पोस्ट कोविड मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग लोगों में एंग्जाइटी हो जा रही है डॉक्टर्स के जो एक ग्रुप आ रहे हैं कि एंग्जाइटी के कारण लोगों की तबीयत खराब हो जा रही है किसी का बीपी बढ़ जा रहा है घर वाले परेशान हो जा रहे हैं अगर कोविड हो जा रहा है तो एक मेडिकल प्रोटोकॉल तो फॉलो करना है लेकिन साथ ही साथ इस एंग्जाइटी पार्ट को इस काउंसलिंग ग्रुप के माध्यम से हमने इसको अप्रोच करने की कोशिश की है इसका रिस्पॉन्स भी आना अच्छा स्टार्ट हुआ इसका भी नंबर मैं आप लोगों को नोट करा दे रहा हूँ 0522-452-3000। हमारे पास 31 एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं हमारे पैनल पर और ये एक्सपीरियंस काउंसलर्स है कोई के जी में है कोई पी एम में है कोई यूनिवर्सिटीज में है कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन में है बहुत ही एक्सपीरियंस काउंसलर्स हैं। एम्बुलेंसेज के रेट ज़्यादा थे इसी के कारण जिला प्रशासन के द्वारा एम्बुलेंस के रेटों को निर्धारित किया गया है प्राइवेट ताकि इससे ज़्यादा अगर कोई लेगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं तो ऐसे गलत लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है समाज में और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। कोशिश की जा रही है कि जरूरतमंद तक पहुंच जाए। गुरुवाणी का कथन है सेवा करत होए ने काम इसको प्रॉपर स्वामी आप निष्काम भाव में से सेवा करेंगे तो वो आपकी सेवा की भी परमात्मा के पास जाती है। सम्मान देने वाले में भी परमात्मा है सम्मान लेने वाले में भी परमात्मा है। जब आपके मन में किसी सेवा का भाव पैदा होता है
जैसी आपकी नीयत होती है उस भावना को भाग लगाता है परमात्मा। गुरुवाणी की तुक है, गोविंद भाव भगत का भूखा। आपकी भावना कैसी है? अगर आपकी भावना सेवा की तो रिसोर्स को उपलब्ध कराने वाला भी परमात्मा है। तो वो सारा जब आप सेवा के कार्यों में इस तरीके से निष्काम भाव से चलेंगे, एक आत्मिक संतुष्टि भी होगी और समाज का भला भी। सबसे निवेदन है, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस तरीके से सेवा कर सकते हैं सेवा करिए और उस प्रभु के मार्ग पर चलने की कोशिश करिए।